सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, आपको मुबारक हो मकर संक्रांति का ये त्योहार। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, संक्रांति पर हमारी यही शुभकामना। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल खुश और हर दिन शांति, आप सबके लिए लाए मकर संक्रांति। आज का पंचांग 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 8:18 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर दोपहर 2:34 तक रहेंगे। इसके उपरांत मकर राशि में प्रवेश करेंगी। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी शुक्रवार के दिन अर्थात आज के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, एक आर्थिक हानि आपको दुख पहुंचा सकती है। गलत और सही का फिर से मूल्यांकन करने के लिए यह अच्छा समय है। अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का विश्लेषण करें जो लंबे समय तक आपके लिए लाभदायक होगा। इस पल में आराम करें, अपना ख्याल रखें और बदलाव के लिए तैयार रहें। आज आपको अपनी सच्चाई और यकीन का फायदा मिलेगा। आपके सितारे आपके पक्ष में हैं, इसीलिए मनोवेग से बचें। अपने अंदर के अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कामों के लिए करें। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती है, ये जितने ज़्यादा मिले उतना ही अच्छा होता है। इस समय आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। प्रयासरत युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समस्या का समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। अपनी अपेक्षा के अनुसार बड़ी खरीदारी होने के बारे में भी पैसों संबंधित दिक्कतें हो सकती है। जीवन में सुख सुविधा पाने के लिए पैसा अधिक खर्च हो सकता है। पैसा कम आने की वजह से थोड़ी चिंता महसूस हो सकती है। अपने सहकर्मियों के लिए नाराजगी महसूस हो सकती है, इस कारण काम में रुचि कम हो सकती है। पार्टनर के साथ संयम और प्रेम से व्यवहार करें। सावधानियाँ, किसी की भी योजना पर अमल करने से पहले उस पर कुछ सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा कोई आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा सकता है। इस समय कोई भी यात्रा को स्थगित रखें क्योंकि इसकी वजह से आपकी कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में भी बदल सकती है। प्यार में मिला धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की तरफ भी ले जाएगा। आपके दोस्तों और परिवार इस स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। रिश्ते में हैं तो अपने साथी को लुभाने के लिए आज से अच्छा समय नहीं मिलेगा। दादा नाना या अन्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जा सकते हैं। आज अपने आशाओं के समुद्र में गोते खा रहे हैं। आपके मन में सपनों के राजा या रानी के साथ समय बिताने की तीव्र लालसा है।
साथ में सैर करना, कॉफी पीना और गजलों को सुनना संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। एक नया लुक आपके रोमांटिक जीवन को मसालेदार बना सकता है और अन्य लोगों से भी प्रशंसा मिलेगी। बात करते हैं करियर की। कड़ी मेहनत के कारण आज आपकी सफलता निश्चित है। सपनों को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन निवेश या फालतू व्यय से बचें। डॉक्टर या अस्पताल के पास जाने से बचने के लिए आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। किसी रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात भी आपके कार्ड्स में है। आपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल की वजह से आज आप आशा से भरपूर हैं। अपने पैसे को लेकर आपका दृष्टिकोण अब नया है। ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। आवेग में आकर कोई काम ना करें। बात करते हैं सेहत की। कभी कभी अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। मेडिटेशन और योग का सहारा लेना उचित रहेगा। आज का उपाय, आज अब गरीबों को कपड़े का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।